नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी जानकारी पर। दोस्तों, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे तत्वों की ज़रूरत हमें पड़ती है, लेकिन प्रोटीन उन बेहद ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक होता है जिसकी शरीर को निरंतर ज़रूरत पड़ती है। खाने में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन मसल्स के अलावा साइज बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद रहता है। भले ही कोई जिम जा रहा है या नहीं, शरीर को रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि शरीर सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रोटीन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अक्सर लोगों में इस बात को लेकर भ्रम होता है कि जिम जाने वाले या फिर बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दरअसल ये मिथक गलत है, मगर ऐसा नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर इंसान को रोज़ाना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। कई सारी रिसर्च के मुताबिक एक वयस्क को रोज़ाना अपने हर एक किलोग्राम वज़न के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज ना करने वाले एक औसत पुरुष को रोज़ाना करीब 56 ग्राम प्रोटीन और महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि शरीर को चुस्त दुरुस्त रखा जा सके। वहीं जिम जाने वाले और बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए यह मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन मसल्स बनाने के साथ साथ फैट लॉस करने में भी बहुत मदद करता है। और प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत प्रोटीन पाउडर, अंडे, दालें और मूंगफली, चिकन होते हैं। अंडे को प्रोटीन का सबसे सस्ता और फायदेमंद स्रोत माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रोटीन का शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई शख्स जिम जा रहा है और वो प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहा है तो उसके मसल्स बढ़ने की बजाय घटने लगते हैं। इसलिए प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। तो आप भी वीडियो में बताई हुई चीज़ों का सेवन करके अपने शरीर में हुई प्रोटीन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, एक बेहद ज़रूरी बात जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, सोयाबीन उन दालों में से एक है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 40% के करीब होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप किसी बॉडी बिल्डिंग या मेहनत के काम में लगे हैं तो आपको सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। सोयाबीन को प्रोटीन का खजाना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।